जाट खड़ी करेंगे खाट, है ना। देखा ना आपने, हर चीज को जाति से जोड़ देना ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। कहीं ना कहीं दंगे करवाना, जातिगत आपको बांट देना, दलगत राजनीति करना, इसे ओछी राजनीति कहते हैं। जाटों का आंदोलन नहीं है, किसानों का है, किसानों के आंदोलन में जाट हैं। अच्छा जब ये, एक और बात बताओ गजेंद्र जी, अभी ये जब जाट वहाँ ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं तो इनको भारत देश के भारतवासी कहते हैं, भारतीय कहते हैं, और इन्हीं के जो बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उन्हीं किसानों को फिर आप आतंकवादी, अभी आपने कहा उनको आप जाट कहते हो, तो क्या चाहती है सरकार भाई? वहाँ भारतीय हो गए और यहाँ जाट हो गए, भाई भारतीय तो भारतीय ही है। वीजा लेना पड़ता है क्या लखनऊ के लिए? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो राजधानी में नहीं जाएगा क्या? यही चीज आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने लग गए। अब भारतीय जनता पार्टी भी तो यही चाह रही थी कि किसान दिल्ली क्यों आ रहा है, पंजाब से जब किसान चला था दिल्ली आने के लिए, कौन सा हक था? जा सकता क्या किसान? हाँ जा सकता है, जाना चाहिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ सरकार से कि क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता या लखनऊ नहीं जा सकता? आखिर क्यों नहीं जा सकता? ऐसा कौन सा संविधान में रूल है जिसके तहत ना किसान देश की राजधानी जा सकता ना प्रदेश की राजधानी? सभी दर्शकों को नमस्कार। बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, किसान ने अपना कार्य करना है और किसान हर चैलेंज को स्वीकार करता है। हम लखनऊ भी गए, हम दिल्ली भी गए, दिल्ली भी हमारी संसद लगी है और लखनऊ का चुनाव भी देख लेंगे। और योगी जी अब कहाँ हैं आप बताएं हमें, योगी जी कहाँ हैं? भाई बीजेपी वाला आ जाओ, यहाँ आ जाओ, लखनऊ आ जाओ, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ आ जाओ। वो उन्होंने कहा था एक कॉल की दूरी पर है, किसान भी कह रहे हैं भाई एक कॉल की दूरी पर हैं, आप जब कॉल करेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ उन्होंने लखनऊ का कहा, हमारे नेता टिकैत जी लखनऊ पहुँच गए, आ जाओ भाई लखनऊ, किसने मिलना है मिल लो। बिल्कुल बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए हैं। जो बात पूछेंगे, आज कौन बचा रहा देश को? देश में इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं मीडिया में बिल्कुल सही कहते हैं वो, कलम पर बंदूक का पहरा है। आप खुद देखिए कि जो सरकार है वो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दिख ही नहीं रही, कहाँ चली गई भारतीय जनता पार्टी? आप भी मानते हैं मोदी सरकार है? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, मैं तो पहले से कहता हूँ कि दो तानाशाहों की है, आप नहीं मानते क्या? आप बता दीजिए कोई तीसरा नाम, तीसरा नाम आप बताइए कि उसकी सरकार है कोई, तो किसी की तो चलती हो भाई। कृषि मंत्री ये कहे कि हाँ हाँ भाई मैं कृषि के अंदर ये कानून ठीक लेके आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वाणिज्य मंत्री कहे हम व्यापार के लिए ये कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहे हम कोरोना के लिए। एक मन की बात एक ही आदमी तो कहता है, दूसरे तो किसी को बीजेपी में बोलने का हक ही नहीं है भाई। बीजेपी की प्रिंसिपल बताया सरकार की, बीजेपी का प्रिंसिपल बताया, ठीक बताया, ठीक बताया। एक प्रिंसिपल है तो टीचर्स भी बहुत है, अभी टीचर्स के भी नाम खुलवाओगे क्या हमारे से? नहीं आपको कैसे लगा वो प्रिंसिपल हैं भाई? जो भाई नाम ही, पूरी मीडिया का नाम निकल गया है गोदी मीडिया भाई, जो किसानों की आम जनता की बात नहीं रख रहे हैं तो वो कहाँ से हो गए? सही नाम निकला है, मुझे नहीं पता किसी ने निकाला, बाकी नाम बड़ा सुंदर है गोदी मीडिया। एक तरफ तो आप गोदी मीडिया कहते हो, दूसरी तरफ उनको कहते हो कि किसानों की बात नहीं दिखाते, और फिर उनके मंच पे जाते हो, उनका बायकॉट भी करते हो, उनके मंच पे भी चले जाते हो आप लोग। भाई हमने तो कहा एक कॉल की दूरी, जो बुलाएगा जरूर जाएंगे। किसान सम्मान करता है, शायद आप भूल गए गजेंद्र जी, सिर्फ मोदी और शाह ये दो तानाशाह हैं, इन्होंने देश की व्यवस्था बदली है, नहीं तो देश में भाई चारों पिलर हैं, मीडिया भी है, लेजिस्लेटर्स भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। किसान कानून को भी मानता है, किसान संविधान को भी मानता है, लोकतंत्र को भी मानता है। बिल्कुल ठीक कहा, और अधूरी बात क्या, पूरी बात कीजिए। उन्होंने अखिलेश का भी नाम लिया, मायावती का भी लिया, हर सरकार बढ़ाती है, लेकिन ये सरकार क्या किसानों के लिए 10 रुपए भी नहीं बढ़ा पाई? क्यों नहीं? इस बात का जवाब आखिर कौन देगा? नरेंद्र तोमर देंगे या योगी जी देंगे? जो सरकार है अपना पैसा कहीं नहीं छोड़ते, व्यापारी जो होते हैं एक दिन का भी चार्ज लगाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से कोई चीज निकलवाइए, आपको फटाफट ब्याज लगेगा।
किसान के गन्ना जिसकी एक साल से पेमेंट नहीं हुई है उसका पैसा कहाँ जाएगा भाई? शुगर मिलों ने किसान से गन्ना लिया, चीनी बनाई, चीनी बाजार में बेच दी, अभी तक किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा और शुगर मिल ने चीनी ले ली। भाई लाल किला सरकार नहीं दे रही, लाल किला दिलवा दो, लाल किले पे फहरा देंगे। लाल किले पे तो 26 जनवरी को फहरा के आए थे ना हम लोग। अरे भाई दोबारा दिलवा दो, फिर 15 अगस्त को कह दो मोदी जी को कि किसानों को कह दे किसान फहरा देंगे, लाल किले फहरा लेंगे भाई। 15 अगस्त को किसान फहराते हैं, प्रधानमंत्री फहराते? भाई किसान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या? तो बनिए, मने कौन करता आप लोगों को प्रधानमंत्री? हाँ तो आएंगे, ये इस्तीफा दें तभी तो बने। इस्तीफा दो, हम तो डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र तोमर से, कृषि मंत्री जी से और गृह मंत्री जी अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी से, दो भाई इस्तीफा। देखो दिल्ली का डेरा है ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, दिल्ली का डेरा तो अब किसान बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एक दो बॉर्डर्स और किसानों ने चिन्हित किए हैं, जो बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं, उद्योगपतियों के बॉर्डर्स हैं, वहाँ भी किसान अब बंद करेगा। हाँ लखनऊ में चुनाव है अभी उत्तर प्रदेश में, तो केंद्र लखनऊ रहेगा, वहाँ भी जाएंगे, किसान चुनाव लड़ेगा, चिंता ना करो, किसान वोट देगा और किसान किसान को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन जब सरकार कहती है राजनीति कर रहे हैं तो आप लोग मना कर देते हैं? भाई राजनीति राजनीति क्या होती है, राजनीति की मंच क्या है? किसान वोट नहीं देगा क्या? किसान वोट की चोट करेगा, वोट तसल्ली से देते आ रहे हैं ना। हाँ तो फिर राजनीति करने में क्या दिक्कत है किसान को? भाई जब हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, तानाशाहों की सरकार है, आप मुझे बताइए, कल भी उन्होंने कहा टिकैत जी ने कि संसद में सभी डरे हुए हैं। तानाशाहों की कंपनी की सरकार है, कंपनी की कह लो तानाशाह की कह लो, बात एक ही है, वही कंपनी तानाशाह हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? यही तो था, अब ये दूसरी कंपनियां आ गई। चलो मुद्दे को ज्यादा भटकाओ मत, सीधा मुद्दा आपकी राजनीति पे आते हैं। भाई अब किसान अन्न क्यों नहीं आएगा तो कौन बचाएगा देश को? या तो ये संसद निकल के आए, संसद के जितने चुने हुए सांसद हैं वो आए और यहाँ के खड़े हों कि हम किसान के साथ खड़े हैं, देश के नौजवान के साथ खड़े हैं। तो खड़े भी हो रहे हैं, कल भी आए थे भाई करो। हाँ विपक्ष तो आ रहा है, ये सत्ता पक्ष के क्यों नहीं आ रहे? इनको जनता ने चुनकर भेजा, जनता के बीच आए और जनता से पूछना चाहिए, हाँ भाई किसानों बताओ आपकी समस्या, हम आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम किसी कॉरपोरेट की नौकरी नहीं करते, वो आए हम उनको बताएंगे। 24 नहीं आएगा गजेंद्र जी, 22 से ही बहुत मुश्किल है अगर सरकार पकड़ जाए तो, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी होती है और युद्ध इतना इजी नहीं है। किसान तो रोजी रोटी खा लेगा, लेकिन जो ये सांसद हैं, ये जो एसी में और चार्टर्ड प्लेन्स में घूमते हैं, इनके बस की लड़ाई नहीं है। आखिरी सवाल, लखनऊ दौरे में कौन जीता, किसान या सरकार? किसान पहले भी जीता आगे भी जीतेगा, किसान संघर्ष कर सकता है, संघर्ष किसान का साथी है, किसान संघर्ष करता रहेगा लेकिन किसान हमेशा जीतेगा। आज तक इतिहास में आप मुझे कभी भी बता दीजिए, किसानों ने दिल्ली की तरह लखनऊ बनाया कहाँ, कैसे जीत गया, हम कैसे जीत पाए? क्यों आपने देखा नहीं है, यहाँ दिल्ली के लोगों ने दशहरी आम खाया बहुत है, लेकिन शायद पता नहीं होगा कि लखनऊ के पास में ही दशहरी गांव है जहाँ से दशहरी आम आता है। जिस दिन से यहाँ आंदोलन है वहाँ मनीष यादव जी ने आंदोलन चला रखा है, पैरेलल चला हुआ है, और बीच में सरकार ने उठाया था, फिर सरकार ने ही दोबारा लगा के दिया, तो ये यहाँ मीडिया दिखा नहीं रही है, लखनऊ में पहले से ही चल रहा है। तो जीत मानते हैं अपने? बिल्कुल है, 100% जीत है किसान की जीत। ठीक है।